हेलो एवरीवन, देखिए बेसिक मैथ्स में हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन में आप इसकी पहले नोटेशन समझो कि कैसे आता है। जैसे हम इसको लिखें, जैसे डी एफ बाई डी एक्स, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन है किसकी, एफ की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब एक और ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे फंक्शन एफ है हमारा और उसकी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं फंक्शन में। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एफ इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर है, मान लो ये चीज़ समझ के चलो, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एफ क्या है, एक्स स्क्वेयर है, उसकी डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख दें अगर कि इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू क्या है हमारे पास, ये टी है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आंसर तो इनके अलग अलग ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में, जबकि फंक्शन हमारा सेम है। तो उसके लिए ना जरा एक फॉर्मूला समझो पहले तो, कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है मतलब एक्स की पावर एन की, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक्स की एक पावर कम हो जाती है, इस तरीके से ये चलती है चीज़, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, ये x की फंक्शन में ही था, मतलब x था यहाँ पर और इसकी जो हमें डिफरेंशिएशन करनी थी वो भी विद रिस्पेक्ट टू x थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी आपको क्या समझनी है कि अगर ये f हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो df बाई डी एक्स क्या होगा, df बाई डी एक्स क्या होगा, अगर यहाँ पर हम देखें d बाई डी एक्स, f की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला लगेगा जिसमें हम पावर आगे लिखेंगे 2 और ये x और एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि 2 माइनस में 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर 2x की पावर कितना यहाँ पर 1, यानी कि 2x आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचो, जब हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्या तब भी 2x आएगा, फिर डिफरेंस क्या रहा, देखो समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर डी एफ बाई डी टी करता हूँ, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ किसका, एक्स स्क्वेयर, एफ की वैल्यू है ना, एक्स स्क्वेयर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो करेंगे कैसे इसको, यहाँ पर डिफरेंशिएशन वही है एक्स की करेंगे, तो हमें पता है कि पावर एक मतलब पावर आगे आ जाती है और एक्स की एक पावर कम हो जाती है, तो वो वन बचेगा, टू एक्स बचेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ साथ में अब हमें करना क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर जैसे ये एक्स है तो ये क्या आ गया हमारा, आर्ग्यूमेंट है, तो इस आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। तो इसको हम करते किस तरीके से, जैसे हमने ये कर दी इसकी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ लिखेंगे हम डी एक्स इसकी किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के, तो ये डी टी आ गया, साथ में ये आ गया। अब सेम चीज़ यहाँ भी होती है, यहाँ पर कैसे होती है, जैसे कि हमने ये चीज़ की थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर दिया, अब आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन करेंगे, आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ एक्स, तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की, तो ये डी एक्स आ गया। तो ये कट के तो वन हो जाता है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखते कि यहाँ पर जो हमारे पास अगर एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, अगर यहाँ टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है। फंक्शन एफ क्योंकि वैल्यू एक्स स्क्वायर में है, ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझना, ये एक्स स्क्वायर में है तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे और ये कहानी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू कहानी अलग हो जाए, ठीक है ना, जो भी हमारा फंक्शन है जैसे यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ये टी हो जाए ना कि एक्स ही हो, तब कहानी में क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन वैसे ही करनी है, लेकिन आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है। जैसे कि यहाँ करी हमने, इस नॉर्मल केस में तो डी एक्स बाई डी एक्स ही हो जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, इस तरीके से, तो ये तो वन ही हो जाएगा कट के। लेकिन यहाँ देखो ये डी एक्स इसकी मतलब यहाँ पर जो भी फंक्शन है हमारा एक्स में, तो एक्स में डी एक्स और ये डी टी, लेकिन ये तो कट नहीं सकता, तो यहाँ पर देखो ना दो आंसर हो गए। देखो एक्स स्क्वायर को ही डिफरेंशिएट करना था एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक का तो आंसर आया सिंपल 2x, एक का अगर विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे ये डिफरेंशिएशन है हमारे पास, ऐसे इंटीग्रेशन भी होती है। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है। जैसे कि मान लो आपके पास a की आपको डिफरेंशिएशन करनी है, तो आपको मान लो मिलता है b आंसर मिलता है। अब आप b की इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलेगी, बताओ, b की इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। बात इतनी समझ रहे हो, तो यानी कि क्या है, इन्वर्स प्रोसेस है एक दूसरे की, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन में आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो डिफरेंशिएशन हमें जितनी ज़रूरत है अपनी फिजिक्स में उतनी ही बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप मैथ में वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। जेई वाले इन मैथ में पढ़ लेंगे और नीट वालों को तो जरूरत नहीं है, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही करना है आपको, ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है। अब देखो फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है किसी कॉन्स्टेंट की करनी है तो वो जीरो होती है। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स, मान लो कोई नंबर है 10, ये तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो है। अब मान लो डी बाई डी एक्स है और आपको ये बोल दिया जाए कि कोई नंबर है, जैसे मान लो नंबर की जगह मान लो कोई ये है, मान लो ये मैंने W बोल दिया और आपको मेंशन है कि ये W क्या है, कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो ही लिखोगे। कितनी बात क्लियर है, कांस्टेंट की हमेशा क्या होगी, डिफरेंशिएशन जीरो होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था।
कि कोई भी पावर में है उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये x के रिस्पेक्ट में ये, और x ही क्या है हमारा यहाँ पर फंक्शन में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि यहाँ अगला नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन, जो ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं हम इसको, तो ये डी एक्स हो गया और नीचे वाला जिसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये कट के क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि अगर ये मान लो टी के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ पर क्या आता हमारा डी एक्स यहाँ आता और यहाँ डी टी आता। तो याद रखने के लिए है कि विद रिस्पेक्ट टू की कहानी कैसे चलती है, ठीक है। आगे सिंपल है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है जी, कोस एक्स होती है, कोस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होती है, ये याद रखना। टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, याद रखने की कहानी है ये सारी, ठीक है। याद रखना बस ये कोस में क्या होती है, माइनस में होती है। सी से हम वैसे याद रखते हैं इसको, आगे और भी टर्म जैसे होती है हमारी कोट कोसिकेंट, ठीक है। तो उनमें समय माइनस में आंसर आते हैं, लेकिन हमें वो करने नहीं है, हमें जिन चीज़ों की जरूरत है हम वो फॉर्मूले कर रहे हैं बस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही कहानी कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें, ये एक्स है इसमें भी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी एक्स। ये अगर ये यहाँ पर क्या होता हमारा एक्स है और यहाँ होता टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ होता डी एक्स बाई डी टी साथ में लगता, क्लियर है बात, समझ पा रहे हो ना। विद रिस्पेक्ट टू की कहानी क्या है, ये आर्ग्यूमेंट एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में, तब तो सिंपल हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आता है वैल्यू वन हो जाती है, ठीक है। सेम इसमें भी ऐसी कर सकते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स होगा, यहाँ भी डी एक्स बाई डी एक्स होगा, वो कट जाएंगे इसलिए नहीं लिखते हम, ठीक है। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन याद रखना क्या होती है, वन बाई एक्स होती है, और एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास, वही सेम आ जाता है, ई की पावर एक्स जो है वही चीज़ आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास पावर वाली थी कहानी, ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल अगर ले लूँ यहाँ पर, जैसे मान लो आपने डिफरेंशिएशन करनी है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर थ्री की, ठीक है। तो हमें पता है पावर आगे और एक पावर कम, तो ये थ्री एक्स स्क्वेयर इसका आंसर आ जाता है, क्या इतनी बात क्लियर है। अगर यही इस तरीके से होता डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स क्यूब होता, तो याद रखना कभी भी डिफरेंशिएशन जो होगी ना आपकी वो डिनोमिनेटर में कभी नहीं होगी, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कैसे करते हैं हम, डी बाई डी एक्स एक्स को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस थ्री बन गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो पावर आगे और एक पावर कम, तो एक माइनस वन कर देंगे, तो माइनस थ्री एक्स माइनस का कितना आ गया ये फोर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस थ्री और एक्स की पावर माइनस फोर, जब नीचे जाएगा तो एक्स की पावर ये फोर बन जाएगा, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये कहानी समझी है। मेन इसमें पता क्या बात थी जो मैंने ये आपको बताई, कि फंक्शन मान लो एक एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना और एक विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, तो दोनों आंसर कैसे हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, ये चीज़ आपको समझनी थी मेन यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ इसमें, मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आपको क्लियर होगी कहानी। और देखो जैसे मान लो हमारे पास डी बाई डी एक्स हमें निकालना है किसका, साइन टू एक्स का, ठीक है। अब हमें पता है साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, कोस एक्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना कहानी को थोड़ा सा, देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी हमारे पास, कोस टू एक्स। अब मैंने आपको क्या कहा था, आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है, ये आर्ग्यूमेंट यहाँ ये है, अब ये टू एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ, डी बाय ये डी टू एक्स, ठीक है, इसकी हो गई, और अपॉन में ये डी एक्स, इस तरीके से। तो यानी कि इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी अब टू एक्स की, तो इसकी कैसे होगी, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको करके, डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स। तो यहाँ पर हमें पता है टू तो क्या आ गया हमारा, कॉन्स्टेंट हम आ गई, इसको आगे लेके जाएंगे हम, और यहाँ बचा ये डी एक्स और ये डी एक्स, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, और यहाँ से ये वन कट जाएगा। ऐसे भी नहीं समझ में आता तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पावर वन है तो वन पावर आगे आ गई, और एक्स वन माइनस वन कितना होता है जीरो, तो वन एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो या किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो वन इंटू वन वन होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ये भी कहानी आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी भी डिफरेंशिएशन होती है, तो यानी कि ये कोस टू एक्स और इसकी डिफरेंशिएशन करके कितनी आई हमारे पास, टू, ठीक है ना, टू आया आंसर, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, बताओ समझ में आ रहा है। तो ये लिखने का फायदा क्या है, जो चीज़ हम यहाँ पर कर रहे थे ना, यहाँ पर भी मैं आपको हर जगह बोल रहा था कि जो भी आर्गुमेंट है उसका यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो, जो भी आर्गुमेंट है उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। उसका फायदा कहाँ होगा, इनमें तो जैसे मान लो वन ही आ रहा है, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू टी होते तो वहाँ फायदा होता टी एक्स बाई डी टी होता। अब यहाँ जैसे साइन एक्स की जगह यहाँ आ गया साइन टू एक्स, लेकिन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, ठीक है, लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट की डिफरेंशिएशन तो होनी ही है, तो टू एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे होगी हमारी। अब कहीं बच्चे कहते हैं कॉन्स्टेंट की तो जीरो थी, कॉन्स्टेंट लेकिन किसी उसके साथ है जिसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है उस टर्म में, ठीक है। सिंगल अगर डी बाई डी एक्स टू के लिए होता तो जीरो होता कॉन्स्टेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर ये साथ में है टर्म, तो टू हमने बाहर ले लिया, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, डिफरेंशिएशन एक्स की होगी जो कि होगी हमारी वन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके ये समझाया ही है सारी बात, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, बता दो जी कोई दिक्कत है इसमें, तो सिंपल सी कहानी है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल भी लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कहानी डिफरेंशिएशन की। जैसे मान लो हम पावर वाली ही लेते हैं कहानी, जैसे मान लो हमने कहा कि d बाई डी एक्स निकाल लो किसका, x की पावर माइनस फाइव का, तो आप कैसे करोगे इसको बताओ, सिंपल कहानी है।
माइनस फाइव पावर आगे आ जाएगी और एक्स माइनस फाइव माइनस वन होगा, एक पावर कम होती है, और साथ में आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन, तो ये डी एक्स हो जाएगा डी बाय, और ये डी एक्स, ये वाला डी एक्स और यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन हो गई आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो ये तो वन ही हो गया, ये तो सिंपल सी कहानी है, लेकिन ये चीज़ करते रहोगे ना तो जैसे यहाँ पर आपकी गलती ना नहीं होगी, ठीक है। नहीं तो इन क्वेश्चन में कई बार भूल जाते हो आप करना, तो इससे क्या होगा, फ़ायदा रहता है। तो ये कितना आ गया, माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस का सिक्स, और ऐसे भी लिख सकते हो आप माइनस फाइव एक्स की पावर यहाँ सिक्स, नीचे लेके जाओगे तो ये सिक्स बन जाएगी कहानी, क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि हमने और एग्जांपल लिए थे ये कि डी बाय डी एक्स ऑफ, जैसे यहाँ वन बाय एक्स क्यूब लिया था, अगर मैं वन बाय एक्स स्क्वायर ले लूँ तो सबसे पहले क्या करो, इसको चेंज करो न्यूमिरेटर में, तो ये एक्स की पावर माइनस टू बनेगी, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, और साथ में डी एक्स बाय डी एक्स तो लिखना ही है आपको, ये चाहे कट जाए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट की डिफरेंशिएशन करनी ही है। तो ये माइनस टू एक्स की पावर कितना आ गया, माइनस थ्री, और इसको आप लिख सकते हो माइनस टू एक्स की पावर थ्री नीचे जाके, क्योंकि ये टर्म जो पावर है प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत हो तो बता दो इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा हम ले लें कुछ प्रैक्टिस के लिए, जैसे मान लो मैं ले लूँ यहाँ पर डी बाय डी एक्स, आपको करना है एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू को, इसको करो, बताओ कैसे करेंगे, पावर आगे जाएगी माइनस थ्री बाय टू, फॉर्मूला ही लगा रहे हैं पावर वाला, यहाँ पर जो फॉर्मूला था आपके पास ये एन एक्स एन माइनस वन वाला, ठीक है, और एक्स की एक पावर कम हो जाएगी तो यहाँ पर हम माइनस वन करेंगे, और आर्ग्यूमेंट की डिफरेंशिएशन कर दी हमने, डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, तो ये माइनस थ्री बाय टू, और यहाँ पर कर लो ये माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, तो टू एल सी एम, तो ये माइनस थ्री माइनस में ये कितना आ जाएगा बताओ आपके पास, यहाँ वन है टू आया, टू इंटू वन टू, तो आ गया माइनस फाइव बाई टू, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू, और ये तो कट ही गया था यहाँ पर वन था, बताओ जी क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, प्रैक्टिस की बात है बस, ठीक है। और हम इसमें ले लें एक, मान लो ट्रिग्नोमेट्री वाला रिलेटेड ले लें इसमें, अगर हम देखो जैसे हमने कहा इसमें आपको डी बाय डी एक्स आप निकाल लो किसका, फोर साइन एक्स का, तो इसमें देखो आप खुद सोच लो, पहले कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले जाओ फोर डी बाय डी एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है वो कब, जब वो सिंगल पड़ा हो कॉन्स्टेंट, अब कॉन्स्टेंट के साथ वो भी है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली टर्म भी पड़ी है, तो डी बाई डी एक्स सिर्फ कितना होगा इसमें, साइन एक्स होगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन सभी को पता है आपको कितनी होती है, कोस एक्स, और यहाँ पर ये हो गई, और आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो डी एक्स बाय डी एक्स, एक्स आर्ग्यूमेंट है इसमें, तो डी एक्स बाई डी एक्स ये कट गया वन, तो फोर कोस एक्स आ गया, ठीक है। देखो अगर विद रिस्पेक्ट टू यही टर्म है ना, तो हम यहाँ लिखते भी नहीं है ये, लेकिन इसको लिखने का फायदा क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था साइन टू एक्स है, तो फिर हमें यहाँ करने का फायदा होता है, तो डी बाई टू एक्स बाई डी एक्स, टू एक्स की डिफरेंशिएशन टू होती, बात समझ रहे हो ना इतनी बात, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ना एक ना इक्वेशन आती है एस एच एम में आपके पास, आगे क्वेश्चन भी है वैसे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा, जैसे लिखा होता है एक्स इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी, जिसमें ए और जो ओमेगा है ना ये कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल में निकालना क्या होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो अभी आगे आएगा आपके पास वेलोसिटी के लिए क्या होता है हमारे पास, इस ये जो डिस्प्लेसमेंट दी हुई है इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्सेलरेशन आ जाता है। तो यानी कि यहाँ डिफरेंशिएशन करनी है इसकी एक्स की, अगर ये है हमारे पास, तो हम देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, यहाँ यानी कि कहानी ऐसे बन गई है डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी, ऐसे है। तो यहाँ कॉन्स्टेंट ए है, ए बाहर जाएगा, ए डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ये बन गया। अब यहाँ पर हमें पता है साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस, तो यहाँ कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, साथ में क्या आएगा डी बाय डी टी, डी बाय डी टी इस आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी, और यहाँ मैं लिख दूंगा ओमेगा टी, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा आप खुद सोचो, यहाँ ओमेगा मैंने कॉन्स्टेंट बोला था, देखो ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर सिर्फ ये ओमेगा टी में ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचा सिंपल डी टी बाय डी टी, तो ये वन हो गया। तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आपके पास ये आ रहा है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो डिफरेंशिएशन होगी इसकी वी की, क्योंकि ये वी आया है हमारे पास, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डी बाय डी टी ऑफ ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, इस तरीके से लिखूंगा। अब इसमें मुझे पता है ए और ओमेगा मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर जाएगी ए ओमेगा, तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी सिर्फ कोस ओमेगा टी की। अब हमें पता है ए ओमेगा और कोस ओमेगा, यानी कि कोस की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस में साइन होती है, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस में साइन ओमेगा टी, और साथ में डी बाई डी टी किसका होगा इस आर्ग्यूमेंट का, जो ये ओमेगा टी है, समझ पा रहे हो ना। अब फ़ायदा दिख रहा है ना इसका लिखने का, जो हम यहाँ कहते थे भैया डी एक्स बाई डी एक्स लिख लिया करो, देखो कितना फ़ायदा हो रहा है उसका, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, गलती नहीं होगी आपकी, ए ओमेगा, और ये माइनस बाहर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा बाहर जाएगा, तो इसे ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ डी टी बाई डी टी बचेगा, ये वन हो गया। तो यहाँ पर आ रहा आंसर माइनस में ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से देख रहे हो यूज़ होगा हमारे पास फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का, क्लियर है। इसमें बस कहानी क्या थी, जो आगे आप पढ़ोगे, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन कर दो, और एक्सेलरेशन क्या होती है वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन आनी चाहिए तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये तो थी कहानी सिंपल डिफरेंशिएशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाए अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन में दो टर्म्स आ जाए, जैसे साइन 2x प्लस में कोस 2x, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, या मल्टीप्लाई में आ जाए कोई कहानी, ठीक है, जैसे e की पावर x मल्टीप्लाई में log x, इसकी डिफरेंशिएशन करो, या e की पावर x अपॉन में log x, इसकी डिफरेंशिएशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर दो आ जाए टर्म्स, ठीक है, या डिवीजन में आ जाए, तो हम कैसे सोल्व करते हैं उसको देखते हैं हम, ठीक है। अभी के लिए इतना नोट कर लो आप, ये ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। अब चलते हैं हम जरा नेक्स्ट पेज पर करने के लिए। देखिए जरा, देखिए अगर मान लीजिए दो हमारे पास फंक्शन है, एक u है और एक v है, इसको डिफरेंशिएट करना है, वो चाहे प्लस में हो सकते हैं चाहे माइनस में, तो सिंपल है, एक को अलग से डिफरेंशिएट करो, फिर जो भी साइन है प्लस का है तो प्लस का लगा दो, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, और दूसरे फंक्शन को भी अलग से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये तो सिंपल है, हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था अभी, जैसे मान लो साइन 2x है एक टर्म, और एक है मान लो cos 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ऑब्वियसली बात है इसको u मान लो इसको v मान लो, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगी बताओ, बताओ जल्दी से, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस, तो कोस 2x, और आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो 2 आ जाएगा, समझ रहे हो, डी बाई डी एक्स ही करना है इनका, ठीक है, ये हो गया अलग से, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का साइन 2x, और 2x की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 2 ये यहाँ आ जाएगी, और प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि 2 कोस 2x माइनस में 2 साइन 2x, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं बताओ, ईजी है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। क्योंकि आप समझो इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस या माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, यही तो है। अगर मैं इसको लिखता यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिखता इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ कोस 2x, इसकी डिफरेंशिएशन, उसके बाद ये सोल्व करके आया हमारे पास। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है बताओ, दिख रहा है ये, देखो थोड़ा और इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये चीज़ कैसे आई हमारे पास, साइन 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बताओ, कोस 2x, फिर इस आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन करनी है हमें, तो यहाँ ये 2x लगाया, सेम यहाँ पर cos 2x की डिफरेंशिएशन माइनस में साइन होती है तो माइनस साइन 2x, है ना, cos थीटा की डिफरेंशिएशन, और इसका आर्ग्यूमेंट का भी करना है हमें डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम कैसे कर किया हमने यहाँ पर, ये cos 2x और इसकी डिफरेंशिएशन 2x की क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx by dx 1, तो ये 2 आ जाएगा, या सिंपल ऐसे याद रख लिया करो, 2x 3x 4x कुछ भी हो तो सिंपल जो कॉन्स्टेंट वाला है वो उसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया ये, और ये इसकी भी डिफरेंशिएशन 2 आएगी, तो ये 2 साइन 2x, इस तरीके से ये आंसर आया था हमारे पास, समझ में आई बात। अब है मेन कहानी क्या, मेन कहानी क्या है कि अगर प्रोडक्ट में है या डिवीजन में है तो फॉर्मूला लगता है, एक फॉर्मूला क्या है, मान लो दो फंक्शन है हमारे पास, एक यू मान लिया हमने एक वी मान लिया, तो पहले लिख दो सिंपल वी जो भी वैल्यू है, फिर डिफरेंशिएशन करो यू की विद रिस्पेक्ट टू जिसके भी दिया हुआ है, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर यू लिखो एज इट इज़ और डिफरेंशिएशन करो वी की, सिंपल सी कहानी है, वी लिखा डिफरेंशिएशन यू की, फिर हमने क्या किया यू लिखा और डिफरेंशिएशन करी वी की, बीच में प्लस का साइन लग रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लो, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगी बात, डी बाय डी एक्स जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ एक्स, ये समझ लो, ठीक है। अब इसमें हम कैसे करें, देखो लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन पता ना सभी को, 1 बाय एक्स होती है, ठीक है। देखो मान लो इसको आपने यू माना, इसको वी माना, तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखो जरा, पहले हम क्या लिखेंगे v, v क्या लिखा हमने log x, फिर है डिफरेंशिएशन किसकी u की, u क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस फिर u एज इट इज़ लिखना है तो यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, फिर d बाई डी एक्स किसका log x का यानी कि v का। अब सिंपल है देखो log x, अब इसकी डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कैसे होती है, 2 इधर और ये x, और एक पावर कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 2x बन गई। अब मैं यहाँ dx बाई dx नहीं लिख रहा क्योंकि आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी, वो कट के 1 ही आएगी, मैं सिंपल अब कर रहा हूँ ये, ठीक है। एक्स स्क्वायर और log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाई एक्स, और यहाँ आर्ग्यूमेंट x है तो वो dx बाई dx करके कट के 1 होगा, तो सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये चीज़ हमें सेम ही दिख रही है, ठीक है। अब बस सिंपल हो गया ये तो, ठीक है जी, ये कितना आ गया हमारे पास, अगर मैं इसको लिख दूँ x यहाँ लिख दूँ पहले, और ये हमारे पास log x 2x ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये भी आंसर ओके है।
अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसा है क्वेश्चन के अंदर और ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन कई बार क्या हो सकता है इसमें आपके पास एक्स आप कॉमन ले लो यहाँ वन प्लस में, यहाँ से क्या हुआ है आपके पास एक्स कॉमन निकल चुका है तो यहाँ क्या बचा सिंपल टू और ये साथ में लॉग एक्स, इस तरीके से आपने समझना है ठीक है। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मेन है फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया आपने ये आपको आना चाहिए ठीक है। अब देखो जरा अगर हमें डिवीजन में है कोई टर्म दी हुई तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो सेम यही फॉर्मूला लगता है जो कि हमारा प्रोडक्ट वाला था, यही सेम लिख दिया हमने, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा और नीचे जो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वेयर करके यहाँ डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा हमें ठीक है। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझो, प्रैक्टिस करते रहना तभी कहानियाँ समझ में आएंगी आपको ठीक है। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स ठीक है, तो इसको यू मान लो इसको वी मान लो, तो सिंपल है देखो पहले वी लिख दो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो वी क्या है हमारे पास कोस एक्स, डिफरेंशिएशन किसकी होगी इसमें यू की, यू क्या है हमारे पास साइन एक्स, फिर माइनस यू क्या है हमारे पास साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया, डिफरेंशिएशन किसकी है वी की, तो वी क्या है हमारे पास कोस एक्स है ठीक है, अपॉन में वी स्क्वेयर यानी कि कोस एक्स का स्क्वेयर या कोस स्क्वेयर एक्स भी लिख सकता हूँ मैं इसको ठीक है। तो देखो अब सिंपल कोस एक्स साइन एक्स की बताओ जरा डिफरेंशिएशन क्या होती है हमारे पास कोस एक्स होती है, माइनस में ये साइन एक्स और यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगी बताओ कोस एक्स की क्या होती है हमारे पास, माइनस में साइन एक्स होती है और नीचे क्या है हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स है, कोस एक्स वही कोस मतलब दो बार आ गया कोस स्क्वेयर एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है टेंथ में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा वन होता है, तो वन अपॉन में कितना आ गया ये हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स आ गया, क्या इतनी बात क्लियर है। अब आपको पता भी है वन बाई कोस क्या होता है सीकेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है आपने क्लास टेंथ में वन बाई कोस क्या होता है सीकेंट होता है, तो ये वन बाई कोस स्क्वेयर है तो ये सीकेंट स्क्वेयर एक्स बन जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर है। किसी को अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट की डिफरेंशिएशन नहीं करी तो वो भी कर सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो डी एक्स बाई डी एक्स, लेकिन आपको खुद समझना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगी कहानी कि यहाँ ये चीज़ सेम है तो वो बताते वन ही होगा तो ये इस तरीके से कट गया, यहाँ भी ये चीज़ सेम है तो ये डी एक्स बाई डी एक्स ये वन ही होगा है ना, ऑब्वियसली बात है आर्ग्यूमेंट की तो डिफरेंशिएशन होती है। बताओ जी कोई दिक्कत है इसमें, तो सिंपल सी कहानी है। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको पता चलेगी क्या होती है। देखो यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ पर करते हैं, आ रहा है ना समझ में ठीक है। चलो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो ये एक्स स्क्वेयर है और ये साइन एक्स है ठीक है। अब आपको पता है इसमें दो हो गए फंक्शन, एक ये यू मान लो ये वी मान लो ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट वाला ये होता है, तो वी एज इट इज़ लिखो पहले साइन एक्स, डिफरेंशिएशन किसकी मैं डायरेक्ट करूँ आपको ईजी लगेगा, देखो वी लिख दिया डिफरेंशिएशन इसकी u की तो ये कितनी बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन 2x बनेगी, एक्स स्क्वायर की पावर आगे आ जाएगी एक पावर कम हो जाएगी तो ये 2x बची, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये 2x आ गया ठीक है। ऑब्वियस बात है आर्ग्यूमेंट x ही है तो dx बाई dx 1 हो जाएगा वो ठीक है। फिर साइन लगता है प्लस का u एज इट इज एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन इसकी v की, साइन x की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होती है cos x और आर्ग्यूमेंट की dx बाई dx 1 हो जाएगी, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। देखो कितना ईजी हो गया, अगर ये प्रैक्टिस हो जाए आपको तो आप डायरेक्ट इसको देख के ऐसे आंसर लिख सकते हो। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें ठीक है। अब जैसे एक और ले लो, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन करनी है हमें, जैसे मान लो मैं ऐसे ले लूँ एक्स की पावर 3 बाई टू प्लस में ई की पावर एक्स और ये लॉग एक्स, ऐसे ले लिया। अब मैं इसमें देखो जरा ये प्रोडक्ट में भी आ गया और ऐसे एडिशन में भी आ गया, तो एडिशन की तो कहानी हमें पता ही है, क्या करते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 बाई टू कर लो फिर प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स और ये लॉग एक्स कर लो ठीक है ना बात। अब इसमें हमें पता है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो x की पावर 3 बाई टू एक पावर कम हो जाएगी और ये 3 बाई टू पावर आगे आ जाती है, ये पता ही है हमें ठीक है। यहाँ पर देखो जरा इसमें हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है v log x हो गया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन किसकी u की, e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगी ठीक है, प्लस प्लस में है ना यहाँ प्लस u एज इट इज़ e की पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस v दैट इज़ log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय एक्स होती है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 बाई टू में से माइनस वन करो जरा 2 और ये कितना आ रहा है 1 बाई टू आ रहा है, तो ये देखो 3 बाई टू एक्स की पावर 1 बाई टू प्लस में लॉग एक्स ई की पावर एक्स प्लस में यहाँ पर ये ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स, ये आंसर आ गया इसका। सिंपल सॉल्व करना आना चाहिए कि ये यू इंटू वी लग रहा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं सिंपल है वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, सिंपल सी कहानी है ठीक है। एक दो बार करोगे तो आ जाएगी कहानी समझ में ठीक है। और क्या लें हम इसमें एग्जांपल, और क्या ले सकते हैं, चलो ऐसी कुछ क्वेश्चन करते हैं अब ठीक है।
कुछ ताकि प्रैक्टिस हो जाए डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो जैसे मैं बोल दूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x, बताओ ज़रा इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। हमें इतना पता है ना, ई एक्सपोनेंशियल की टर्म वही होती है, तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में हमने बोल दिया हाँ भाई यही आएगी डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर तो हमने लिखा नहीं था, यहाँ पर तो नहीं, तो इसमें ऐसे लिखा था ना हमने कि इसकी डिफरेंशिएशन यू की क्या होगी, यहाँ ई की पावर एक्स ही होगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट का भी क्या होगा हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कट के तो वन ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो ज़रा, अब डी बाई डी एक्स हमें करना है इस आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट इसमें ये 3x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करो क्या होगा, 3 यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 3 e की पावर 3x, और ये dx बाई डी एक्स बचा, और नहीं तो मैंने आपको बोला था 3x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सिंपल 3 हो जाएगी, तो 3 e की पावर 3x, तो यहाँ पर ये 3 e की पावर 3x इसका आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात की कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना, यानी कि आर्ग्यूमेंट का भी क्या होगा हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। जैसे एक और ले लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4x मान लो, ठीक है। अब हमें पता है लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, हमें पता है 1 बाई एक्स होती है ना, तो यहाँ लॉग में 4x है, तो हमें पता है इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जल्दी से बताओ, लॉग x की 1 बाई एक्स होती है, तो लॉग 4x की क्या होगी, 1 बाई 4x। एंड वहाँ पर भी क्या होता था, अगर हम कहते थे ना लॉग x की डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाई एक्स है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसके आर्गुमेंट की भी होती थी, तो ये तो 1 हो जाता था। यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 बाई 4x और d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट का, तो इसका 4 होता है हमारे, हमें पता है, तो यहाँ पर 4 आ गया ये वाला इसकी डिफरेंशिएशन, और ये 1 बाई 4x है, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1 बाई एक्स इसका आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात, तो ये कहानी कितनी सही है कि आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है, बच्चों से यहीं पर ही गलती होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। थोड़े से और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, चलो थोड़ी जगह की कहानी है यहाँ, चलो समझते हैं फिर भी यहाँ पर करते हैं, देखो यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन एक। देखो जैसे क्वेश्चन है आपके पास, क्या लें हम एग्जांपल इसमें, चलो ऐसे लेते हैं डी बाई डी एक्स कोस का लेते हैं, और ये माइनस एक्स है, ऐसे है। अब समझाओ ज़रा इसको, हमें पता है कोस थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है, या कोस एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है, वो क्या होती है, माइनस के साइन एक्स होती है, तो मुझे पता है यहाँ माइनस का तो साइन एक्स, और यहाँ एक्स क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स लिखूंगा। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है डी बाई डी एक्स, अब आर्ग्यूमेंट यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, माइनस एक्स है, तो यहाँ से देखो जरा, अगर ये माइनस एक्स है ना, तो यानी कि ये माइनस वन मान लो इसको, इसको बाहर ले जाऊँ माइनस को, है ना, माइनस को बाहर ले जाएंगे, माइनस वन को एक तरह से समझ लो, तो ये माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, और ये साइन ऑफ माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, साइन ऑफ माइनस एक्स आ गया। समझ में आ रही है बात, बताओ ईजी है या नहीं है, ठीक है। अब चलो एक और लेते हैं हम क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा तो ये हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो जी, जैसे हम इसमें यहाँ करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लें हम डी बाय डी एक्स ऑफ, मान लो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको, इसके ना दो तरीके हैं करने के, एक तो वही है कि हम इसमें u इंटू वी लगा दें, है ना, फॉर्मूले तो सॉल्व करेंगे, ठीक। एक और हो सकता है, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले चलो u इंटू वी से करते हैं। अब देखो यहाँ 2 तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये तो टर्म आ जाएगी बाहर, 2 डी बाई डी एक्स किसका होगा यहाँ पर, ये साइन एक्स कोस एक्स का, तो हमें यहाँ पर तो फॉर्मूले पता ही हैं, ये u मान लो, ये v मान लो, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको पता ही है क्या होता है, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v क्या है हमारे पास, कोस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ u साइन एक्स का क्या होता है, बताओ जल्दी से, कोस एक्स होता है, और डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, वो वन ही होगा। प्लस देखो ये क्या लिखा था हमने, v और डेरिवेटिव ऑफ u, अब u लिखेंगे और डेरिवेटिव वी का, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, डी एक्स बाई डी एक्स, वो हमें पता ही है कहानी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो 2, ये आ गया कोस स्क्वेयर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस, और ये साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखो अगर ये होता कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये 1 ले लेते हैं हम, 2 आंसर आ जाता, लेकिन अब ये है कहानी, तो ये भी सही है, इतना भी आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें याद हैं, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद है कोस 2 थीटा जो होता था हमारे पास, वो क्या होता था हमारे पास, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 भी होता था, लेकिन चलो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो करते हैं हम। कोस 2 थीटा होता है हमारे पास कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा भी होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कोस स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स है माइनस में, ठीक है, तो ये चीज़ गिवन है, तो मैं इसको कोस 2 थीटा भी लिख सकता हूँ, 2 यानी कि कोस, बताओ जल्दी से, 2x, ये इसका आंसर आ गया, बताओ जी समझ में आ रहा है। अब मैं आपको कह रहा था कि ये तो चलो हमने यू इंटू वी से लगा लिया, अब हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, 2 साइन थीटा कोस थीटा का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा कोस थीटा का, अगर आपको याद हो साइन जो 2 थीटा होता है ना हमारे पास, उसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा,
जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे वैसे ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा ही, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है उसको समझ लो। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है जी, देखो और ये था हमारे पास क्वेश्चन, डी बाय डी एक्स क्या था, टू साइन एक्स कोस एक्स। देखो टू साइन थीटा कोस थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कोस थीटा को साइन टू थीटा लिख सकता हूँ, तो साइन टू एक्स लिख सकता हूँ। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, साइन की क्या होती है कोस, तो कोस टू एक्स, और आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी तो 2x की भी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 होगी। तो ये 2 आ गया cos 2x इनटू में क्या आ गया 2, इसकी डिफरेंशिएशन करके तो 2 आगे लिख लो, 2 cos 2x, देख लो वही आंसर आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। बताओ कोई दिक्कत है तो, सिंपल सी बात है या नहीं है बताओ। ठीक है, अब इसमें ना जैसे मैं आपको यहाँ पर भी बताऊँ एक कहानी, इसका आंसर क्या आया था, secant square x आया था। ठीक है, तो यहाँ अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है sin x by cos x क्या होता है, और साइन एक्स ये तो यू बाई वी लगा दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट हम लगा दें साइन एक्स बाई साइन थीटा को अपॉन में कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो डी बाई डी एक्स ये कितना बन जाता है हमारे पास टेन एक्स, और टेन एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ क्या होती है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स होती है। तो ये दो लाइनों का ही था और यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था, है ना। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूला हमें पता है तो बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। बताओ जी समझ में आई ये कहानी? ठीक है, तो ये थी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर हो हमारे पास तो हम कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ आगे स्टेटमेंट वाले, उनको देखते हैं कि कैसे करते हैं। चलो चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया भी था आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर स्टेटमेंट में दे दिया कि डिस्प्लेसमेंट इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये होती है हमारे पास। ठीक है, वेयर ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स, देन फाइंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। देखो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा t, तो यहाँ पर हमें v निकालना है जो कि हमें पता है dx एक्स बाई डी टी होता है। तो d बाई डी टी एक्स क्या है हमारे पास, a साइन ओमेगा t, वेयर a एंड ओमेगा आर द कॉन्स्टेंट्स। तो a हम बाहर ले जाएं और d बाई डी टी हम किसकी करें, सिर्फ साइन ओमेगा t की। तो यहाँ हमें पता ही है d बाई डी टी यानी कि डिफ्रेंशिएशन साइन ओमेगा t मतलब साइन थीटा की क्या होती है हमारे पास, कोस थीटा। तो कोस ओमेगा t, और साथ में हम डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, आर्ग्यूमेंट को भी करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ ओमेगा टी है। अब ओमेगा कांस्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ये डी टी बचा यहाँ पर, और ये डी टी। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। अभी देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप तो प्रैक्टिस होती जाएगी तो अपने आप समझ में आ जाएंगी कहानी। ठीक है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इंपॉर्टेंट बहुत है, डिफरेंशिएशन सीखनी तो पड़ेगी आपको। ठीक है जी, तो नीट वाले हो तो ये मत सोचना कि हमें तो मैथ इतना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में तो यूज़ होगी ना, तो सीखना तो पड़ेगा ही। अब हम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाई डी टी वी है हमारे पास a ओमेगा कोस ओमेगा t, इसमें भी a ओमेगा बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो d बाई डी टी सिर्फ किसका होगा, कोस ओमेगा t का। अब हमें यहाँ पर पता है कि कोस की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, माइनस में साइन ओमेगा t, और साथ में आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी यानी कि ओमेगा t की। ये ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये a ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस का साइन साथ में है, ये साइन ओमेगा टी, और ये डी टी बाई डी टी बचा तो ये वन हो जाएगा। तो सिंपल ये आपके पास एक्सेलरेशन यहाँ पर बनता है। क्लियर है? ठीक है जी, अब बात करते हैं हम, देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं आपके पास। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो एरिया होता है डिस्क का, है ना, डिस्क ऐसी होती है, तो एरिया जो होता है डिस्क का, मान लो ये रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वेयर होता है। ऐसी मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको पता है मान लो वॉल्यूम की बात कर ले आपसे, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। ठीक है, ऐसी स्फीयर का एरिया अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अगर आपको पता है स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है बताओ, 4 पाई आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो जैसे ये नाइन्थ क्लास में आपके दिए हुए थे कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ये सब फॉर्मूले थे यहाँ पर। ठीक है, जैसे वॉल्यूम ऑफ कोन 1 बाई 3 पाई आर स्क्वेयर एच है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए फॉर्मूलों की, ताकि आप इनका जब यूज़ करो या क्वेश्चन आए आपको तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, तभी तो आप कर पाओगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है रेडियस ऑफ डिस्क इज आर। ठीक है जी, डिस्क आर है, इफ़ डिस्क स्टार्ट श्रिंकिंग, डिस्क श्रिंकिंग हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है तो मतलब इसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, पहली तो ये बात है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या कह रहा है ये, एरिया अगर ए है तो डी ए बाई डी टी आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसमें ये पता चल गया कि एरिया का चेंज पूछ रहा है, यानी कि डी ए बाई डी टी पूछ रहा है, ये एक तरह से डिफरेंशिएशन है एरिया की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले तो पता होने चाहिए ना डिस्क का। डिस्क का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है,
इसमें मुझे ये पता चल गया पाई तो कांस्टेंट है लेकिन आर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसने बोला था श्रिंकिंग हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है तो यानी कि आर वेरिएबल है, बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब घटी रहा है, श्रिंकिंग का मतलब तो यही हुआ, तो कांस्टेंट तो नहीं है तो जीरो तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको हमें मतलब करना है डी ए बाई डी टी। अब देखो हमें पता है यहाँ पर पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज़ लिख दो, डिफरेंशिएशन किसकी होगी यहाँ पर आर स्क्वेयर की, है ना। मतलब मैं इसको ऐसे लिखूँ अगर इस तरीके से लिखते हैं यहाँ देखो डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वेयर करना है हमें, ठीक है। इसमें से हमने कहा पाई तो कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी सिर्फ क्या रह गया हमारे पास आर स्क्वेयर। तो इसके लिए हमें पता है कहानी क्या होगी बताओ, आर स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर आगे चल जाएगी, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 2R आया। लेकिन हमें यहाँ पता है आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होती है, तो यहाँ आर है और यहाँ टी है, तो ये वन तो आने से रहा कि अगर यहाँ भी टी होता तो डी टी बाई डी टी होता, नहीं यहाँ तो अलग है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे डी बाई डी टी और आर्ग्यूमेंट की डिफरेंशिएशन यानी कि आर की, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ कहानी बनेगी वो क्या बनेगी बताओ, क्या बनेगी कहानी, मैं लिख दूँ यहाँ पर इस तरीके से 2πr और साथ में ये डी आर बाई डी टी, यानी कि डी ए बाई डी टी एरिया का जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किस तरीके से हो रहा है, ये 2πr और यहाँ रेडियस का भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ भी आ सकती थी, अब मान लो रेडियस में वैल्यू देता हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास इतनी है, तो वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम और रेडियस की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल देते हैं। और इसका जो भी अगर हमारे पास डाटा होता तो मान लो डी आर बाई डी टी होता तो वो हमारे पास ऐसे गिवन होता कि 0.2 मीटर पर सेकेंड, और एरिया जब आता तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आता, ये रेट ऑफ चेंज, समझ रहे इतनी बात। जैसे यहाँ पर करते हैं हम देखो क्वेश्चन, जैसे अब ये स्क्वायर की कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक साइड ऑफ स्क्वायर दे दिया आपको, साइड ऑफ एक स्क्वायर दे दी मान लो कितनी 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। इफ़ साइड इज़ चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर यानी कि क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या साइड की दी हुई है, तो यानी कि ये डी एल बाई डी टी हमें गिवन है कितना 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ से पता भी चल रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड की यही है गिवन, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले तो एरिया पता होना चाहिए इसका, स्क्वायर का क्या होता है साइड का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर। अब हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें पता है ये कैसे होगा बताओ, डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर करना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2L, L की एक पावर कम हो जाएगी तो ये, और पावर एक आगे आ गई है ना 2L, लेकिन इसकी डिफरेंशिएशन भी होगी आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, क्योंकि ये डी टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ डी एल के रिस्पेक्ट में नहीं था, मतलब एल के रिस्पेक्ट में नहीं था, फिर तो 2L आंसर हो जाता, ये टी है यहाँ, ये कहानी अलग है। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे क्या, डी बाई डी टी ऑफ एल, तो ये आया है हमारे पास डी ए बाई डी टी, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। लेकिन क्या ये अभी आंसर आ गया, नहीं आया। अब जो मैं आपको कह रहा था ना पिछले क्वेश्चन में कि वैल्यूज दी हुई हूँ, अगर देखो 2L कितना है हमारे पास 4 है, डी एल बाई डी टी मैंने आपको बताया था 0.2 है गिवन, तो यहाँ से देख लो जरा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 2 5 10 एंड ये 4 2 8 5 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 8 5 इसको करोगे ना 5 1 5 5 6 1.6 आएगा, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आंसर निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब सेकेंड की अगर इसमें कहानी बात करें हम, वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद टाइम। अब देखो यहाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है 4 × साइड, ये क्या होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है लेंथ को, पूरी लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ ऑब्वियस बात है ऐड ही होगी, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है यहाँ 4L होगा। और ये क्या कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो यानी कि डी पी बाई डी टी हमें करना है, इसका मतलब डी बाई डी टी ऑफ 4L करेंगे हम, तो यहाँ पर भी देखो क्या होगा हमारे पास 4L की जो डिफरेंशिएशन होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 4, ठीक है, 4 ही होगी या नहीं बताओ, 4 ही होगी, ठीक है। और क्योंकि अब यहाँ L जो है हमारे पास ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी बढ़ रही घट रही है, यहाँ बोल दिया था उसने, ठीक है, कहीं इसको 0 ही कर दो कि L भी कॉन्स्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो L वेरिएबल है ना ये चीज़, ठीक है, तो 0 तो नहीं होगा, तो यानी कि 4L की हम डिफरेंशिएशन करी हमने 4, लेकिन आर्ग्यूमेंट की भी डिफरेंशिएशन होगी यानी कि L की, तो ये 4DL बाई DT आ गया। अब हमें वैल्यू पता है DL बाई DT की कितनी है 0.2 है, तो ये कितना आ गया 0.8 सेंटीमीटर, ये देखो ये लेंथ ही होती है ना पेरीमीटर भी, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा इसका, तो ये आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल सी कहानी है लेकिन वही है कि देखो कैसे यूज़ हो रही है हमारी डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से आगे आपके पास फिजिक्स में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है, लेकिन वही बात है ना, ABC तो पता होनी चाहिए आपको पहले, तभी तो करोगे सेंटेंस पूरा, तो वही कहानी है यहाँ पर। अब देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है एरिया ऑफ एन, बस ये लास्ट ही है, ठीक है जी, कर रहे हैं छुट्टी आपकी। देखो एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस, वेयर टी इज टाइम फाइंड दिस। देखो एरिया ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है कितना,
ए इज इक्वल टू में दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस में 5 मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, टी टाइम है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल है, ये तो डी ए बाई डी टी ही करना है। तो मतलब क्या है इसका कि डी बाई डी टी ऑफ ए यानी कि टी स्क्वायर प्लस 5, तो हमें यहाँ पता है डी बाई डी टी किसका, टी स्क्वायर का प्लस डी बाई डी टी किसका, 5 का। ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो जीरो ही हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा, पावर आगे और एक पावर कम, और आर्गुमेंट की डिफ्रेंशिएशन करनी है, ये चीज़ सेम ही है, तो डी टी बाई डी टी आएगा, वो 1 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2t आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो डी ए बाई डी टी आ गया हमारे पास 2t। अब देखो नेक्स्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो हमने निकाल लिया ये, ठीक है, 3 सेकेंड पे निकालना है। तो डी ए बाई डी टी 3 सेकेंड पे हमें निकालना है, मतलब जो टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड का, ठीक है। तो वो साथ ये 2t है, तो 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास, 6। तो 6, और ये मीटर स्क्वायर में था एरिया, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में? तो कहानी क्या है, डिफरेंशिएशन की है, बहुत सिंपल ही डिफरेंशिएशन, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, टेंथ के बाद एकदम से आपको लगता है कि भैया ये तो नई सी चीज़ है कुछ, तो है बहुत ईजी। जो चीज़ मैंने आपको बताई है नीट वालों के लिए, तो इतना ही सफिशिएंट है करना, ठीक है। इतना भी कर लोगे तो बहुत है आपके लिए फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, ठीक है। कर लोगे इसको तो करो इसे अच्छे से तैयार, नोट्स बनाओ बढ़िया वाले। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ है, इसलिए मैंने आपको पहले डिफरेंशिएशन बता दी, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।